रामचरितमानस, द्वितीय सोपान, अयोध्या कांड। यस्यांके च विभाति भूदर्शुता देवापगामस्तके भाले अल्विधुर्गले च गरलम यस्योरसि व्यालराट्। सा अयम् भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः सस्निभिः श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान सुब्रवर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नताम या न गताभिषेक तस्थता था न ममले वनवास दुखत मुखाम्बुज श्री रघुनंदयस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई। वह मुखमल की मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पांडव महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। अब अभिलाष एक मन मोरे पूजी ही नाथ अनुग्रह तोरे मुनि प्रसन्न लख सहज स्नेहु कहे नरेश राजयस देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है हे नाथ, वह भी आपके ही अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार फल अनुगामी मही विमन मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं की देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है अर्थात
आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, बोले राव रहस मृदुबानी। नाथ राम करी अही जुबराजू, कहीं कृपा करी करी समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होई अछाहु, लहि लोग सब लोचन लाहु। प्रभु प्रसाद सिउ सबै निबाही, यह लालसा एक मन माही। यह लालसा एक मन माही, मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रहौ कि जाऊ, जेहि न होई पाछे पछताऊ। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुन नृप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरन न जाही। भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुरागी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक कमलेश्वर श्री राम आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम वश आपके पुत्र हुए हैं। वेगी विलंब न करी अनृप, साज सबुई समाजु। सुदिन सुमंगलु तबहिं जब, राम होइ जुबराज। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कहीं जय जीव शीश तिन्हिनाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पाचह मत लागे नीका, करहु हरस ही राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत वीरौ परेउ जन पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी,
जियौं जग जगतपति बरिस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए, जग मंगल भल काज बिचारा, बेगी अनाथ न लाई बारा, नृपह मोद सुनी सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लही सुशाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहूं भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयसु होई, राम राज अभिषेक हिते, बेगी करहूं सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हरस मुनीस कहें मृदवानी, आनव सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनी मंगल नाना। मुनि राज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषध मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम वसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति, मनिगन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका, च्यवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मड़ियां रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगवाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहीं सकल विधाना, कहें रचयपुर विविध बिताना, सफल रसाल पुग फल केरा, रोपहुं बिथिन पुरचहुं फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचा मंजु मनी चौके चारू, कहा बनावन बेग बजारू, पूजा हूँ गणपति गुरु कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मड़ियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजारों को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश सजहूं तुरग रथ नागी, सिर धर मुनि वर बचन सब निज निज काज ही लागी।
ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जेहि आयस दीन्हा सोते ही काज प्रथम जनु जी कीन्हा। विप्रसाद सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाली कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज गहावत अवध बधावा। राम सी तन सगुन जनाए फरकहि मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी शरीर में भी शुभ सकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित सप्रेम पुलक सप्रेम परस्पर कहहि भरत आगमन सूचक अहहि। भय बहुत दिन अति अवसेरी सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब सकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही इहै सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंध सोच दिन राती अंडन कमल हृदय जेहि भाती। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम सुनि रहस्यौ रनिवासु। शोभत लखि विधु बढ़त जनु बारिधि बीच बिलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाय जिन्हें बचन सुनाए भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी मंगल कलश सजन सब भांति लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चार सुमित्रा पूरी मनिमय विविध भांति अति पुरूरी। आनंद मगन राम महतारी दिए दान बहु विप्र हकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए।
पूजी ग्राम देव सुर नागा, कहें बहोर देन बलि भागा। जे ही विधि होय राम कल्याणु, देहु दया कर सो बरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनोती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावह मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल किसी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी।